और फिर मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया पूरा। ये कौन किया? ये नरेश यादव का बेटा गुड्डू यादव और राजेश यादव दोनों मिलके। आपका भी कुछ लिया है? मेरा मारपीट के दौरान यहाँ पे देखिए निशान है, गला में चैन था हमारा सोने का, वो छीन लिया वो। आपका भी कुछ छीना है? वही मारपीट में मेरा बाली भी खींचा गया, हम लोग बाद में देखे तो मेरा कान में बाली नहीं था। ये कब की घटना है? कल शाम की। कितने बजे की? वही 7 बजे। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय में मौजूद हूँ झाझा थाना में, जहाँ पर जमीनी विवाद का मामला है और महिला को बुरी तरह पीटा गया। आप देख रहे हैं मेरे सामने में दो महिला मौजूद है जिन्हें बुरी तरह पीटा गया, क्यों कि इनके परिवार के सदस्यों ने 4.5 लाख रुपया लगभग नगद दिया था जमीन खरीद के लिए, वो भी सन 2020 में। आज 4 साल हो गए, ना जमीन मिल रही है ना पैसा वापस मिल रहा है। और इन लोग के द्वारा जब उनसे पूछा गया कि पैसा देने तक टाल मटोल तो चल ही रहा था 4 साल से, लेकिन घर में कार्यक्रम में सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि चलो मिला जाए नरेश यादव से, अब पूछा जाए कि आप पैसा देंगे या जमीन देंगे। इसी क्रम में उसके परिवार के लोगों ने इन महिलाओं पर पुरुषों पर बुरी तरह मारपीट की। किसी ने कहा कि रिवॉल्वर के बट से मारा, किसी ने कहा कि डंटा से मारा, किसी ने लोहे रॉड से मारा। ऐसे में ये लोग घायल अवस्था में अपना मेडिकल कराए और झाझा थाना में आकर के अपने शनहा दर्ज कराई। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट झाझा थाना से। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है ममता आपका? अच्छा, क्या हुई घटना झाझा थाना में आप आई हुई है? कर रही थी अपने बच्चे का, तो वही में हम लोग को बुलाई थी, तो वही हम लोग आए थे। तो मतलब उस दिन हो गया था, तो हम लोग मतलब घर से जा रहे थे मतलब मार्केट के लिए, तो फिर रास्ते में ये बात हुआ क्या मतलब ये जमीन उमीन के बारे में जो है बात चल रहा है थोड़ा। हम लोग चलिए वहाँ, पहले हम लोग वहाँ उसके घर पे चल जाते हैं, जमीन के बारे में बातचीत कर लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग मार्केट चलेंगे। तो ये सब सोच के हम लोग मतलब गए थे वहाँ, तो वहाँ मतलब भाभी लोग वही पैसे के बारे में बात कर रहे थे वही नरेश यादव से, बस बात ही कर रहे थे। तो वो लोग पर मतलब अचानक से आए, हम लोग को सबको मतलब मारने पीटने लगे। कौन नरेश यादव है? कहाँ घर है नरेश यादव का? नरेश यादव का सोजाना के पास है। झाझा सोजाना का? झाझा सोजाना। आपके साथ मारपीट क्यों किया? अब क्यों क्या मतलब हम लोग थे साथ में, लगता है इसलिए मारपीट करने साथ में थे, इसलिए आपको मार लग गई। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? बस यहाँ सर पे लगा, ये सर फट गया मेरा, बंदूक का जो होता ना वो पीछे पिस्टल का पीछे का मारा। कौन मारा आपको? हम तो उनका फेस नहीं देख पाए ना। उसी परिवार का भी मारा? हाँ, उसी परिवार का था। आपने आपने मेडिकल कराया है? हाँ, ट्रीटमेंट हुआ तब तो यहाँ टाका लगा है। किसानी गुप्ता। कहाँ घर है आपका? मरुआ। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ गुड्डू यादव और राजेश यादव बहुत मारपीट किया, बहुत मारा मेरा पांच खींच के और दुपट्टा से मेरे को फांसी लगा के बहुत मेरे जान से मारने का कोशिश किया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश किया। कौन किया ये? गुड्डू यादव और राजेश यादव दोनों मिलकर, जो की नरेश यादव का घर है, उन का घर है सोझाना। किस बात का विवाद था? विवाद था मेरे पापा जमीन ले रहे थे, तो उसी से रिलेटेड बात था कि पैसा बोला देंगे, जमीन नहीं देंगे पैसा ही देंगे। हम लोग यही पूछने के लिए गए थे कि हम लोग का पैसा कब देगा, हम लोग सिर्फ बात करने के लिए गए थे और ना कि उससे पैसा भी हम लोग नहीं मांग रहे थे। तो हम लोग सिर्फ बात को टाल रहा था, तो हम लोग बोले कि नहीं आज बैठ के बात कर लीजिए, तो बोलता है नहीं जाओ, इतना ही हम लोग बोले नहीं हम लोग आज ही बात करेंगे। वही आज रात में स्लाइन हुआ जमुई अस्पताल। गंभीर चोट आई आपको? हाँ, मेरा कमर से नीचे का बॉडी का काम नहीं कर रहा। कौन मारा आपको? वही गुड्डू यादव राजेश यादव। मारपीट किया गया तो मेरा, हम वीडियो बना रहे थे और मेरा फोन भी छीन लिया जिसका नंबर है 8540067, और फिर मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया पूरा। ये कौन किया? ये नरेश यादव का बेटा गुड्डू यादव और राजेश यादव दोनों मिलके। आपका भी कुछ लिया है? मेरा मारपीट के दौरान यहाँ पे देखिए निशान है, गला में चैन था हमारा सोने का, वो छीन लिया वो। आपका भी कुछ छीना है? वही मारपीट में मेरा बाली भी खींचा गया, हम लोग बाद में देखे तो मेरा कान में बाली नहीं था। ये कब की घटना है? कल शाम की। कितने बजे की? वही 7 बजे। 7 साल ये घटना कहाँ पर हुई थी?
सोजा नाम है। नरेश यादव के घर में? घर पे हाँ। पिता क्या नाम है? अजय प्रसाद साहब। कहाँ घर है? बलुआ। क्या मामला हुआ? चोट लगी हुई है सर? हम लोग पैसे के सिलसिले में बात करने के लिए गए थे। किससे? नरेश यादव। कहाँ है नरेश यादव का? सोजाना। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम तो नहीं पता सर। मोहन मोहन यादव। हाँ मोहन यादव। पिताजी क्या हुआ? पैसे के सिलसिले में बात कर रहे थे सर, अचानक से फैमिली पीछे जाकर अटैक कर दिया सर। सर दो बेटा था और उसकी बीवी और उसकी एक बेटी थी सर। किस चीज से मारपीट किया? डंडा एक तो रड भी निकाला सर, और डंडा से मारा और चप्पल में सब चीज से मारा। मारने की वजह क्या थी? बस भाई पैसा मतलब देना नहीं चाह रहा था वो सर। किस चीज का पैसा आप लोगों ने दिया था? जमीन के सिलसिले में था। कितना पैसा दिया था? 4.5 लाख। कब दिया था? तो अभी थे लॉकडाउन के समय। जमीन अभी ना लिखी है ना? जमीन लिखी है ना? पैसा दिया सर। अमरदीप कुमार। अमरदीप कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या लेटर है थाना आए हुए? नरेश यादव को 2.5 से 4.5 लाख रुपए दिए थे। वो जमीन लिखना रहता है, इसके वजह से बार बार पैसा मांगने के लिए, तो वो ना जमीन लिख रहा था ना पैसा वापस दे रहा था। तो हम सर अपने फैमिली के साथ उसके घर गए ताकि हमको वो पैसा दे सके। उसको थोड़ा सा उसको लगे कि फैमिली के साथ बार बार परेशान हो रहा है, तो पैसा तो जैसे हम उसके घर पर गए, वो लोग पूरा घर वाला बोलने लगा कि हम नहीं रहेंगे, खाना मेरा बाप का, जो करना है कर लो। बस पैसा वो उसके घर वाला पूरा अटैक कर दिया और लोहार रोड से सबसे मारना शुरू कर दिया। मेरे फैमिली, मेरे सिस्टर, मेरे भाई सबको मारा है। क्या कहना नरेश यादव का? कहाँ घर है नरेश यादव? बार बार हमेशा बोलता था कि जमीन लिख देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी तरह बात करते करते 4 साल से वो 5 साल लगा दिया, लेकिन अभी तक वो दिया नहीं। 4 रुपया दिया था? 4.5 लाख। कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ लिखित में है, साइन इसका है, इस डेट में पैसा दिया। आप क्या कहना नरेश यादव का? कहना क्या है, मेरा जो पैसा लिया है वो नरेश यादव का क्या कहना है? नरेश यादव का कहना है कि हम वो तो उसे बहाना बना रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कल दे देंगे पैसा, परसों दे देंगे पैसा, लेकिन वो दे नहीं रहा। उसका तो हमेशा डेट पे डेट ही चल, 5 साल हो गया डेट बदल के बदल के, 4 साल गुजर गए। हाँ थाना आया, आपने आवेदन दिया? हाँ। मेडिकल हुआ था? हाँ हो गया।